अवतल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब देखे थे, बिंब के प्रतिबिंब इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इसको दो श्राद्ध में करेंगे। पहले एक तो उत्तल लेंस के लिए करेंगे, फिर उसके बाद में अवतल लेंस के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में छह स्थितियां हैं। पहले तो उत्तल लेंस के लिए करते हम, और उत्तल लेंस की छह स्थितियों को हम यहाँ पर बना देखना। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इस प्रकार से उत्तल लेंस यहाँ पर बना हुआ है। ये एफ वन हो गया, ये टू एफ वन, और इसी प्रकार से एफ टू और टू एफ टू। ठीक है, पहली स्थिति को हम लेते हैं कि जो बिंब रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। अनंत पर मतलब अनंत से जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आपतित होगी इस प्रकार से, तो ये अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस प्रकार से अपवर्तन के पश्चात क्या कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के से होकर इस प्रकार से गुजरेगी। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु को कहां रखा पहले तो अनंत पर रखा। जब अनंत पर रखेंगे तब तो समांतर प्रकाश किरणें आपतित होगी ना, अनंत पर रखा। अनंत पर रखने के बाद में इसका जो प्रतिबिंब कहां पर बना, एफ टू पर बना। कैसा बना, बिल्कुल छोटा सा बिंदु के आकार का बना। किस प्रकार से बना, तो ये उल्टा होता है। वैसे यहां पर अभी क्लियर नहीं हो रहा कि उल्टा बोलते हैं लेकिन किस प्रकार से उल्टा होता है, यहां पर अभी अगली स्थिति में हमें ये समझ में आने वाला है। यहां पर देखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में हमारे पास में ये लेंस है, इस प्रकार से हमने लेंस रखा, ये एफ वन हो गया और इस प्रकार से टू एफ वन, और ये हो गया एफ टू, और ये क्या हो गया टू एफ टू, इस प्रकार से। दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, अनंत और एफ वन के टू एफ वन के बीच में यहां पर वस्तु को रखते, अनंत और टू एफ वन के बीच में मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आपतित होगी, ये थोड़ा सा लेंस इस प्रकार से बड़ा बना रहो, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आपतित होगी तो कहां से जाएगी, फोकस से उत्तर होकर इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से जो प्रकाशीय केंद्र से होकर आपतित होगी और इस प्रकार से यहां से गुजरेगी, तो यहां पर इस प्रकार से ये हो रही है। दोनों कहां पर प्रतिच्छेद करेंगे, यहां पर प्रतिच्छेद करेंगे तो यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा इसका। कैसा बना, पहले बात तो बिंब को कहां रखा हमने, अनंत और टू एफ वन के बीच में रखा। प्रतिबिंब कहां बना, एफ टू और टू एफ टू के बीच में बना। ठीक है, कैसा बना, उल्टा। कैसा है, वास्तविक। वस्तु की अपेक्षा क्या दिखाई दे रहा हमें, छोटा दिखाई दे रहा। तो यहां पर हम दूसरी स्थिति में ऐसा बोल सकते। अब तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में ये हमारे पास में लेंस है, उत्तल लेंस, ये F1 हो गया, ये 2F1, इसी प्रकार से F2, और ये क्या आएगा 2F2। वस्तु को कहां पर रखते हैं, हम 2F1 पर यहां पर रखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होगी, और अपवर्तन के पश्चात वो कहां से चल जाएगी, फोकस से होकर इस प्रकार से गुजरेगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगी, इसके मुख्य सॉरी ये सीधी बनाना है, ये क्या हो जाएगी, इसके प्रकाशीय केंद्र से आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से गुजर जाएगी। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा, ये टू एफ टू पर बन रहा, ये यहां पर इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा टू एफ टू। ठीक है, कैसा बना यहां पर देखिए जरा गौर से। प्रतिबिंब का वस्तु कहां रखी थी, टू एफ वन पर, प्रतिबिंब कहां पर बना, टू एफ टू पर ही बना। वस्तु के बराबर का दिखाई दे रहा, वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनेगा, आप स्केल और उससे बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से एग्जैक्टली वो बराबर यहां पर मिलने वाला है। इसके बाद हम यहां पर बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब बना वो कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है। क्लियर, तो तीन स्थिति आपने देखी, पहली स्थिति अनंत, दूसरी स्थिति अनंत और टू एफ वन के बीच, और तीसरी स्थिति में टू एफ वन के बीच, टू एफ वन पर, और तीसरी स्थिति दोनों के बीच में रखेंगे, और चौथी स्थिति एफ वन पर रखेंगे, और पांचवी सॉरी तीन तो हो गए, चौथी चौथी स्थिति दोनों के बीच, पांचवी स्थिति एफ वन पर, और छठवी स्थिति प्रकाशीय केंद्र के और एफ वन के बीच में। तो इस प्रकार से हमें पूरी छह स्थितियां इसकी बनाना है। देखना अगली स्थिति देखते हम।
अगली स्थिति में ये लेंस हो गया, इस प्रकार से हमने लेंस रखा और ये F1 हो गया और इसी प्रकार से 2F1 और ये F2 और 2F2, ठीक है। वस्तु को कहां रखते हम, 2F1 और F1 के बीच में। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से अपवर्तित, इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार से यहां से इसके प्रकाशीय केंद्र से आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी और दोनों कहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी। कहां पर कैसा क्या स्थिति बन रही है, यहां पर वस्तु को कहां पर रखा, 2F1 और F1 के बीच में, प्रतिबिंब कहां बना, 2F1 से और दूर, वस्तु की अपेक्षा बड़ा, उल्टा और वास्तविक। तो इस प्रकार से हमारे पास में स्थिति आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट ये हो गया, एक इसका ये लेंस बना रहा हूं मैं, इस प्रकार से लेंस बनाया, ये F1 हो गया और ये 2F1, इसी प्रकार से F2, F2 और 2F2, ठीक। अब वस्तु को कहां पर रखते हैं, F1 पर रखते हैं, ये F1 पर याद करते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी, ठीक। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात इधर इस प्रकार से चली जाएगी, इसी भी जाएगी बिना विचलित भी। अच्छा, ये प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र वास्तव में बीच में होता है, इस प्रकार से हम प्रकाशीय केंद्र इस प्रकार से हम यहाँ पर बना सकते, ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होगा, दोनों को अगर मिलाया जाए तो यहाँ पर बीच में होगा, क्लियर। अच्छा, ये समांतर दिखाई दे रही है तो हम ये कल्पना कर सकते कि ये कहीं ना कहीं अनंत पर मिलेगी, एग्जैक्टली समांतर नहीं होती है, वो हल्की सी तिरछी होती है और ये क्या होगी, अनंत पर कहीं ना कहीं मिलेगी। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा आवर्धित रूप बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, क्लियर। अब अंतिम स्थिति देखते हैं, अंतिम स्थिति में क्या करते हैं हम, इस प्रकार से हमारे पास में लेंस है, ये F1 और 2F1 और इसी प्रकार से F2 और 2F2, इस प्रकार से वस्तु को रखते हैं फोकस और F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, ये प्रकाशीय केंद्र हुआ है, इसके बीच में रखते हैं, ये यहां पर हमने क्या किया, यहां पर वस्तु को रखा। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर इस प्रकार से गुजरेगी। एक प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से आपतित होगी और प्रकाशीय केंद्र से आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से सीधी बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर स्थिति बन रही, ठीक है। इस प्रकार से प्रकाश किरण का बराबर दिशा दिखाना आवश्यक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दिशा कहीं पर मिल रही है तो फैलती हुई जा रही है और आगे और फैलती हुई जाएगी, लेकिन इस पर इसको हम क्या करते हैं, पीछे की ओर इस प्रकार से बढ़ाते हैं और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये क्या है, इस प्रकार से यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको डैश डैश से मैं यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं। कैसा बन रहा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा और लेंस के उसी ओर जिधर वस्तु हमने रखी है या बिंब जिस ओर रखा हुआ है, वस्तु से बड़ा, आभासी बन रहा क्योंकि वस्तु के इधर ही बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा, क्लियर। तो ये याद रहे कि उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो क्या रहेगा, आभासी रहेगा, ठीक है, और ये क्या होगा, वस्तु से बड़ा रहेगा। याद रखना कि लेंस के जिधर बिंब रखा है उसी ओर अगर प्रतिबिंब बन रहा तो आभासी बनेगा और दूसरी जिधर बिंब रखा है उसके अपोजिट बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और ये भी बात याद रखना कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास में छह स्थितियां हो गई। अब हम क्या करते हैं, टेबल द्वारा पूरे स्थितियों की समरी लिख देते, ठीक है। तो समरी किस प्रकार से लिखेंगे, हमारे पास छह स्थितियां तो इस प्रकार से हम टेबल बनाते हैं, देखना टेबल बनाना, ठीक। और टेबल में
यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से टेबल बनती हुई जा रहा। यहाँ देखेंगे कि क्रमांक, पहले तो क्रमांक छह स्थिति है, तो छह में क्रमांक डाल देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छह स्थितियों का इस प्रकार से मैं टेबल बना देता हूं। पहली बात तो क्रमांक हो गया, यहां पर बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति कहां पर हमने वस्तु को रखा है, बिंब मतलब वस्तु को कहा रखा है। इसके बाद में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति ठीक है, मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब इसकी बोलेंगे कि प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज क्या होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का साइज ठीक है, अपेक्षित साइज बोल सकते हैं। और इसकी प्रकृति मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर बनेगी। अब क्रमांक हो गया, सबसे पहले तो बिंब की स्थिति कहां पर रखा है, बिंब हमने यहां पर बिंब अनंत पर रखा है, तो यहां पर बोलेंगे अनंत पर। इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर बन रहा है, F2 पर। देखिए हमने यहां पर क्या रखने वाली बात नहीं है, यहां पर क्या हमने पहले देख लिया कि एक्चुअल प्रतिबिंब कैसा बन रहा और इसी को देख देख के हम इस टेबल को भर रहे हैं ठीक है ना। अभी यहां पर प्रतिबिंब का साइज कैसा बना भाई, अत्यंत बिंदु के आकार का, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, और बोल सकते बिंदु के आकार का, या इसको बोल सकते बिंदु के आकार का लिख सकते हैं हम यहां पर बिंदु के आकार का, ऐसे अत्यंत छोटा बोल दिया सफिशिएंट है। प्रकृति कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा, उल्टा ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब यहां पर। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं, वस्तु को कहा रखा अनंत और 2F1 के बीच में, अनंत व 2F1 के बीच में ठीक है, के बीच। अच्छा प्रतिबिंब कहां पर बना, F2 और 2F2 के बीच में, F2 व 2F2 के बीच ठीक। अच्छा कैसा बना, वस्तु से छोटा, एकदम बिंदु के आकार का नहीं है, उससे थोड़ा सा बड़ा, बिंदु के आकार से बड़ा है लेकिन वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा ठीक है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है ऊपर ठीक। प्रतिबिंब कहां पर बना, 2F2 के परे, 2F2 के परे मतलब और दूर ठीक है, इधर की ओर। वस्तु से कैसा बना, बड़ा बड़ा, वस्तु से बड़ा। अच्छा वास्तविक, वास्तविक है और उल्टा ठीक है, ये इसकी प्रकृति होगी। इसी प्रकार से पांचवी स्थिति क्या है, F1 पर रखा हूं, F1 पर। प्रतिबिंब कहां पर बना, अनंत पर बना, क्योंकि ये समांतर जा रही तो हम ये मान सकते कि ये अनंत पर कहीं ना कहीं मिलेगी, तो मतलब अनंत पर, अनंत पर। अच्छा वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा, अत्यधिक, अत्यधिक बड़ा, आवर्धक रूप बोल सकते हैं इसको ठीक है। अच्छा इसके बाद में वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा ठीक है, ये बन गई। नेक्स्ट छठवी स्थिति, अंतिम स्थिति कहां पर रखा हमने, F1 और F1 व प्रकाश केंद्र के बीच, प्रकाश केंद्र के बीच ठीक। अच्छा प्रतिबिंब कहां पर बना, इधर ही बना, कहां पर, बिंब के लेंस से, लेंस से बिंब की ओर, लेंस से बिंब की ओर, बिंब की ओर। अच्छा कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा ठीक।
कैसा है, आभासी है और सीधा है। आभासी, आभासी वो सीधा। तो इस प्रकार से हमने इस टेबल को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो और कंप्लीट कैसा किया, एक्चुअल हमने बना के देखा और उस आधार पर हमने छह स्थितियों के आधार पर हमने इसको पूरा कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे कि उत्तल लेंस के लिए हमने देख लिया कि किस प्रकार से सिचुएशन बन रही है, अब अवतल लेंस के लिए देखेंगे कि किस प्रकार से सिचुएशन बनेगी और कैसा यहाँ पर टेबल यहाँ पर बनने वाला।